वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो आज मैं पार्ट 3 शूट कर रहा हूँ अपनी जीबीएस स्टोरी का। तो आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, बेसिकली ट्रिक्स क्या बताऊंगा, टिप्स ही बताऊंगा जो मेरे को काफी हेल्पफुल लगी है, जो आपको भी फॉलो करनी चाहिए अपनी जर्नी में रिकवरी के दौरान। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, आपके माइंड में नेगेटिविटी कम से कम होनी चाहिए। जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं, जैसे जीबीएस के जो ग्रुप्स अगर आपने ज्वाइन कर रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, वहाँ पे आपने देखा है कि लोग ये डाल रखे होते हैं कि हमारे को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ, शायद कभी ठीक नहीं हुआ। तो आप जब ऐसे लोगों की बातें सुनते हो ना, तो आप भी डीमोटिवेट होते हो, आपको भी लगता है शायद आपका भी ठीक नहीं हुआ। तो अगर आपके आसपास कोई मोटिवेट करने वाला बंदा नहीं आके, अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी है, तो आप ठीक जितनी जल्दी हो सकते हो उतनी जल्दी नहीं होगे और आपकी रिकवरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो पहली चीज़ आपको अपने माइंड में पॉजिटिविटी लानी है। मैंने क्या किया था, मैं बुक्स पढ़ता हूँ बेसिकली पर्सनल डेवलपमेंट की या मोटिवेशन की, तो मेरे को इस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं उनकी बुक्स की बातें ज़्यादा सुनता हूँ, तो वहाँ से मेरे को क्योंकि पॉजिटिविटी मिलती है, तो आपका एक माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो आपकी रिकवरी भी जल्दी होती है। तो काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, भैया हमारे को जीबीएस कौन सा ग्रुप है, हमारे को फिर से तो नहीं हो जाएगा, और ये जीबीएस ग्रुप में तो ऐसी ऐसी बातें चलती हैं कि उनको 10-10 साल से ठीक नहीं हुआ, हमारे को भी डीमोटिवेशन होती है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, आपको पहली बात ऐसे ग्रुप ज्वाइन नहीं करने, और आपको अपने आप को एक तरीके से नॉर्मल इंसान समझना है कि आप एक नॉर्मल इंसान हो चुके हो, आप जैसे सब हैं वैसे ही आप हो, अब बस आपको रिकवरी करनी जल्द से जल्द। जीबीएस अगर होना हो किसी को भी हो सकता है, तो आपको बिल्कुल अपने आप को एक नॉर्मल इंसान कंसिडर करना है, जैसे सब है वैसे ही आप हो। तो अब मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊँगा जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो आपको फॉलो करना है। पहली चीज़, आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड बात नहीं करनी, अगर बात करनी है तो डॉक्टर से करो या फिजियोथेरेपिस्ट या फिर मेरे जैसे कोई इंसान जो जीबीएस को ओवरकम कर चुका है उससे बात करो, ठीक है। तो आपको कभी भी अपने किसी दोस्त वगैरह से बात नहीं करनी है, फैमिली मेम्बर से बात नहीं करनी है, क्योंकि वो बोर हो जाएंगे आपकी बातें सुन के। और अगर आपका जुकाम भी है नॉर्मल, अगर आप उसके बारे में भी नेगेटिव बातें करोगे, हाँ मेरे को जुकाम है, मेरी पीठ दर्द है, मेरी कमर दर्द है, अगर आप बात करोगे वो आपकी प्रॉब्लम और ख़राब होगी। आपको शायद सिंपथी तो मिल जाए पर लॉयल्टी और रिस्पेक्ट तो कभी नहीं मिलेगी। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, रिफ्यूज़ टू टॉक अबाउट योर हेल्थ। दूसरा पॉइंट, रिफ्यूज़ टू वरी अबाउट योर हेल्थ। अगर कल को ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कल को फिर से जीबीएस ना हो जाए, मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, आपको चिंता हो रही है, तो आपको वहाँ पे वो चिंता नहीं करनी। चिंता होनी जायज़ है, आपको नेचुरली होगी, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता करने से, अपनी हेल्थ की चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आपकी हेल्थ और ख़राब होगी। तीसरा पॉइंट क्या है, आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको बी जेन्युइनली ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, कि आपकी जैसी भी हेल्थ है उसके लिए आपको जेन्युइनली ग्रेटफुल होना है। देखो, आपको पैरालिसिस हुआ है, लेकिन जीबीएस में जिन भी लोगों को पैरालिसिस होता है वो टेम्परेरी ठीक हो जाता है, जैसे मैं हो गया तो आप भी हो जाओगे। तो कुछ लोग दुनिया में ऐसे जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, आप ये सारे काम कर सकते हो, माना पैरालाइज हो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। तो आपको अपनी हेल्थ के लिए जैसी भी है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना कि भगवान पैरालिसिस हुआ है ठीक है, लेकिन शुक्र करो हाथ पैर सही सलामत है, कटे नहीं है। कल को अगर ऐसी कोई बीमारी होती इसमें हाथ पैर ही कट जाते फिर क्या कर लेते। तो यू हैव टू बी जेन्युइनली ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ। चौथा पॉइंट, अपने आप को बार बार ये रिमाइंड कराना है, इट्स बेटर टू वियर आउट देन टू रेस्ट आउट। मतलब कि आप इतना टाइम हो गया, आप बैठे हुए हो बेड पे, लेटे हुए हो बेड रेस्ट पे हो गए, अब आपका मन कर जाएगा कि आप लेटे रहो या बैठे रहो, आपका घूमने फिरने का मन नहीं करेगा, बॉडी इस्तेमाल करने का मन नहीं करेगा। आपको अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना है कि इट्स बेटर टू वियर आउट देन टू रेस्ट आउट, मतलब कि अपनी बॉडी को वियर आउट करो, इससे अच्छा है, मतलब वो ज़्यादा बेटर है रैदर देन कि उस पर जंग लग जाए। जैसे आपने एक महंगा परफ्यूम लगा लिया, उसकी 1 साल की एक्सपायरी डेट है, आपने उसे यूज़ नहीं किया ये सोच के कि वो खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और वो 1 साल बाद एक्सपायर्ड हो गया, वो किसी काम का नहीं है ना, आप सोचे कि अच्छा यूज़ ही कर लेता। तो वैसे ही आपको अपनी बॉडी को इस्तेमाल करना है, उसे जितना ज़्यादा मूव कर सकते हो करो, जितना ज़्यादा घूम सकते हो चक्कर लगा सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी फिजियोथेरेपी कर सकते हो, जिम जा सकते हो जिम करो, जितना घर का काम कर सकते हो जितना आपसे हो सकता है, आप घर में घूमना चाहते हो उतना घूमो। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि आपको उतना टाइम बेड रेस्ट पर करते करते हो गया, आपका घूमने फिरने का बॉडी इस्तेमाल करने का मन नहीं करेगा। तो मेरी आपसे यही रिकमेंडेशन है कि आप अपनी बॉडी को इस्तेमाल करो, और घबराने की कोई बात नहीं है, जीबीएस ओवरकम हो जाता है 100%, अगर रिकवरी नहीं होती 90% भी होगी तो वो भी मोर देन इनफ है। कुछ कुछ लोग तो कभी ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो पाते, ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती है उन लोगों को, तो आप ठीक हो जाओगे। आपको होप नहीं खोना, पेशेंस रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें 1 से 1.5 साल लग जाता है, अगर आपको प्रॉपर जीबीएस हो या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी है तो 1 से 1.5 साल लग जाता है। धीरे धीरे जैसे मैंने कहा वो नसें ठीक होती जाएंगी, अंदर से वो इंटरनल रिकवरी होती रहेगी, वो ठीक होता जाएगा। पॉजिटिव रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जो बात करते हैं अपनी हेल्थ के बारे में कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उनसे बच के रहो, और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, और अपनी दवाइयाँ लेते रहो टाइम से टाइम, और पेशेंस रखो सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, और
अपना जो आपका जो मेंटल एटीट्यूड है वो थोड़ा पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव रखना ही होगा हर किसी भी चीज़ में। खैर जो भी लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं या फिर अभी उनको आईसीयू में है कोई, या फिर कोई किसी के लोन में किसको जानते कि हुई है, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये चीज़ ओवरकम हो जाती है। अगर आपको मेरी जितना जीबीएस ने इफेक्ट किया कि आप वेंटिलेटर तक की नौबत आ गए, तो उसमें 100% शायद रिकवरी ना हो, कुछ चीज़ें रह जाए, लेकिन फिर भी आप ठीक हो गए, आपको उसी का शुक्रिया अदा मनाना चाहिए। बाकी चीज़ तो आप एक्सेप्ट कर ही लोगे ओवर टाइम। क्योंकि जब मैं घर आया था ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि भाई भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था और मैं इस चीज़ से क्यों गुजर रहा हूँ, क्यों मुझे भुगतना पड़ रहा है। बहुत गुस्सा आता था, मेरे अंदर की आत्मा खुल जाती थी, इतना गुस्सा आता था मेरे को उस टाइम पे। लेकिन ओवर टाइम आप देख ही सकते हो, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो जिम भी जाता हूँ, घूमता भी हूँ सब। और अभी मैं फिलहाल वैष्णो देवी भी गया था। वैष्णो देवी भी आप समझ सकते हो 13 किलोमीटर चढ़ना है, 13 किलोमीटर वापस आना है, बिना घोड़ी के बिना किसी सपोर्ट के मैं अपने दोस्तों के साथ गया था। 13 किलोमीटर में चढ़ के भी आया हूँ, टॉप तक गया था भैरव बाबा तक, और 13 किलोमीटर में वापस भी आया हूँ। तो 26 किलोमीटर की मैंने चढ़ाई कर ली और उतार भी लिया अपने आप को वहाँ से। तो सोचो अगर मैं इस कंडीशन से वहाँ पे जा सकता हूँ, चढ़ाई कर सकता हूँ, 26 किलोमीटर अप एंड डाउन कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो इतनी ही थी मेरी जीबीएस की स्टोरी। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को फेसबुक पे अभिषेक गुप्ता ब्रैकेट शेकी के नाम से सर्च करके मुझे वहाँ इनबॉक्स पर मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।